जयपुर से जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान, निकाय चुनाव में आरएलपी से नहीं कोई गठबंधन, पुनिया शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का अपना आधार, पुनिया ने यह बात कही है खींवसर उपचुनाव पर भी बोले पुनिया। सतीश पुनिया का यह बयान, आरएलपी अकेले लड़कर नहीं जीत पाती खींवसर लोकसभा जो उपचुनाव था विधानसभा का, पुनिया बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने की थी खूब मेहनत जिसके बाद ये जीत मिली थी, खींवसर उप जो चुनाव था विधानसभा का उसको लेकर भी बयान दिया। साथ ही साथ आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन नहीं है, जबकि बीजेपी अपने दम पर ही इन चुनाव में जाने वाली है, उतरने वाली है, और बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसका अपना खुद जनाधार है। शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। शशि, वाकई में जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और बेनीवाल की पार्टी भी ये बता चुकी है कि उसकी ताकत क्या है, लेकिन सतीश पुनिया के अंदाज से लगता है कि बीजेपी अपने दम पर ही समझ रही है कि चुनाव निकल सकता है। देखिए समझे, दीपावली के दिन भी यह विषय आया था और हमने सतीश पुनिया से जब बातचीत के दौरान पूछा था कि निकाय चुनाव में गठबंधन को लेकर क्या भूमिका रहेगी, तब भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि लगता नहीं कि इस बात की जरूरत पड़ेगी और शहरी क्षेत्र में बीजेपी का अच्छा जनाधार बता रहे थे। अभी सतीश पुनिया ने उसी बात को दोहराया, उन्होंने कहा कि अभी आरएलपी से गठबंधन की कोई आसार नहीं है और उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का आधार खूब है और ऐसी सूरत में गठबंधन की कोई जरूरत भी नहीं दिखती। उन्होंने कहा गठबंधन धर्म का सम्मान बीजेपी करती है, लिहाजा 303 सीट केंद्र में लोकसभा में आने के बावजूद सभी जो सहयोगी दल हैं उनको साथ में लेकर रखा है, सरकार में शामिल किया है, लेकिन अभी उपचुनाव के बाद में निकाय चुनाव को में गठबंधन की संभावनाओं से सतीश पुनिया ने इनकार किया। और जब पंचायती राज, शशि लेकिन एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, एक बार बयान सुना देते हैं सतीश पुनिया का, उसके बाद हमारे साथ बने रहिए, फिर आपके पास आएंगे। शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि उसकी कोई आवश्यकता है। पंचायत चुनाव में करोगे जब आएंगे, जब आपसे दोबारा बात करेंगे। तो शहरी क्षेत्रों में अपना वजूद है, इसीलिए लगता नहीं है कि हम गठबंधन में जाएंगे। शशि, क्या माना जाए कि ये एक टेम्पररी गठबंधन है, जब सिचुएशन जहां पर देखा जाता है कमजोर है वहां पर वहां की दूसरी पार्टियों से हाथ मिला लिया जाता है, राजस्थान के भीतर छोटी पार्टियों से, जहां पर मजबूत है वहां पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी होती है बीजेपी की? देखिए जब बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो वो ये मानते हैं कि नागौर में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर नहीं थी, लेकिन केंद्र का ये फैसला था कि गठबंधन किया जाना चाहिए और कांग्रेस को कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अब शहरी निकायों के चुनाव में ऐसी सूरत में केंद्रीय गठबंधन, केंद्रीय नेतृत्व कोई दखल संभवतः नहीं देगा। हाँ इतना जरूर है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है, अच्छा संगठन बनाया है, अच्छी कमेटियां बनाई हैं, हर वार्ड में टीम है बीजेपी की। ऐसी सूरत में जब आरएलपी का आधार नहीं है शहरी क्षेत्रों में तो कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए गठबंधन की, और इसको अवसर की राजनीति तो नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि नहीं, एक चीज और है, ठीक है पूरे राजस्थान में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नागौर के आसपास जितना जाट लैंड का इलाका है वहां पर कम से कम अब बेनीवाल वर्सेस बीजेपी भी देखने को मिलेगा निकाय चुनाव में, स्थिति ये भी बन सकती है। देखिए जब निकाय उपचुनाव से पहले जो गठबंधन हुआ था, हनुमान बेनीवाल बीजेपी कार्यालय आए थे, तब भी उनसे इस चीज को लेकर सवाल हुआ था कि क्या निकाय चुनाव में वो करेंगे, तो उन्होंने कहा था निकाय चुनाव में वो बीजेपी का साथ देने का मानस रखते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में वो लोग ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, जितना ज्यादा सीटों पर क्लेम कर रहे हैं, ऐसी सूरत इस बात की संभावना हनुमान बेनीवाल ने भी जताई थी। अच्छा। और अभी उसी तर्ज पर दोनों पार्टियां आगे बढ़ती हैं। ठीक है, शुक्रिया इसमें तमाम जानकारी के लिए शशि मोहन, और कुल मिलाकर यह है कि दोनों पार्टियों के बीच में क्या समन्वय में बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल बीजेपी अपने दम पर पूरी तैयारी कर चुकी है शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जनाधार को मजबूत करने के बाद। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था जैसे सदस्यता अभियान चलाया गया था, उसके बाद से बीजेपी आश्वस्त है कि वो निकाय चुनाव में बहुत अच्छा करने जा रही है अकेले दम पर भी।